देखिए साड़ी के बेसिक जानकारी हम ला लेंगे ना। देखिए नोट करके, देखिए रेखी साड़ी को रेखी साड़िकों को AX प्लस BY माना बराबर 0 है ना, बराबर 0 है। और देखिए और CX प्लस DY बराबर 0 है। के गुणांकों को हम लिख सकते हैं। देखिए देखिए ये ए दिया है और बी, ए बी लिखे ना। अब देखिए अब इसमें दिया है सी और डी, सी एंड डी लिख दी है, लिख दिया ना। यह मतलब इनमें इनमें गुड़ा भी करा देते हैं इनको, इनमें इस रूप में लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। और देखिए प्रसार, इसका हमने क्या बोला, इसका इसका गुणा कराते हैं ए इंटू डी और इसका सी इंटू डी माइनस सी इंटू डी, ये प्रसार रूप हो गया। अब देखिए देखिए प्रति एकक साड़ी, प्रति एकक साड़ी क्या होता है वो आपको बता रहे हैं। देखिए प्रति एकक साड़ी इनमें स्तंभों तथा पंक्तियों की संख्या हमेशा एक जैसी होती है। रहता है या होती है, अर्थात देखिए हम आपको अच्छा समझते हैं, अर्थात साड़ी हमेशा वर्ग के रूप में होता है। वर्ग के रूप में होता है, वर्ग के रूप में होता है। और देखिए तृतीय क्रम में सारणी का प्रसार देखिए कैसा होता है, आप नोट करके लिखते हुए जाइए। देखिए तृतीय क्रम में सारणी का साड़ी का प्रसार देखिए, मान लीजिए यह कोई साड़ी का एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले ले रहे हैं। देखिए दिया इसमें तृतीय का क्रम S7 है मान लीजिए ना। हम अभी देखिए प्रसार कर देंगे, पहले वन लिखेंगे जो पंक्ति को जब इसका देखेंगे तो एक का तो ये और ये मूल लेंगे, तब हमें जो प्राप्त होगा देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन मूल लेंगे, तब देखिए वन वन और इसका हो जाएगा 2 3 -7 इतना ना। अब देखिए फिर -0, हमने जैसे बताया अब ये वाली और ये वाली लाइन मूल लेंगे, तब ये 2 3
37 प्राप्त होगा, और ऐसे 5 का प्लस। देखिए अब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन मुड़ेंगे तब प्राप्त होगा 2 2 3 माइनस 1 प्राप्त होगा ना। देखिए ये यही है प्रसारण, और नोट करके हम आपको बताते हैं। नोट देखिए, आप नोट करते हुए चलिए ना। देखिए इसमें होता है, देखिए प्लस माइनस प्लस होता है, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है। देखिए हमने यहाँ पे पहले प्लस लिया था, फिर यहाँ पे माइनस लिया था, फिर यहाँ पे प्लस लिया था, ये देखिए ना। और देखिए देखिए सरणी के अनुप्रयोग प्रोडक्टिव ऑफ डेरिवेट डिटरमिनेंट। देखिए नंबर 1 है, यदि किसी सारणिक की पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदलने से सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु पंक्ति को स्तंभ में और परंतु पंक्ति को पंक्ति में अथवा स्तंभ को स्तंभ में बदलने से मान में तो परिवर्तन हो जाता है होता है लेकिन चिन्ह नहीं बदल, वो चिन्ह बदलता है, चिन्ह बदलता है। एग्जाम्पल देखिए, हम एग्जाम्पल लेके समझाएंगे आपको ना अच्छे से। देखिए ये एग्जाम्पल ले ले रहे हैं, मान लीजिए ए बराबर दिया है, मान लीजिए 3 1 2 1 1 और 1 2 3 यह है ना। देखिए अगर हम नियम के साथ चलेंगे, देखिए पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में चेंज करेंगे। देखिए हम इसे चेंज कर दे रहे हैं, ये देखो ये स्तंभ है और ये पंक्ति होता है, ये लाइन पंक्ति और ये स्तंभ होता है, हमें स्तंभ को पंक्ति में चेंज करना है। देखिए 1 ये पंक्ति है ना, इसे हम स्तंभ में चेंज करेंगे, 3 माइनस 1 और ये वाली देखिए 2 1 1 वी वाली 1 2 3 ये हमने चेंज कर दिया। देखिए ये जो मतलब ये होता है आपको पंक्ति और ये सी होता है कॉलम ना, हमें ये चेंज कर दिए। अब इसको हम हल करेंगे ना, देखेंगे क्या परिणाम निकलता है। परिणाम यह निकलेगा कि मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मान सेम निकलेंगे इनका और इसका। देखना पहले हम इसका निकालते हैं, देखिए पहले हम इस वाले निकालते हैं ना। देखिए 1 हम एकदम मतलब एकदम अच्छा बताएंगे, देखिए 1 1 2 3 अब माइनस 3 2 1 1 3 वैसे इसका माइनस वन है, और देखिए -1 है तो होगा 2 1 1 2। अगर हम इसे हल करेंगे तो देखिए हमने बोला था ये इसका इसका होता है ना, देखिए 3 माइनस 2 माइनस देखिए 3 3 2 6 ये 1 1 गुणा 1 होगा, और इसका
माइनस वन, दो दूनी चार, चार और इसका इसका गुणा करेंगे वन हो जाएगा ना। अब देखिए आंसर क्या प्राप्त होगा, देखिए तीन में से दो जाएगा तो वन, और वन में वन से गुणा करेंगे तो वन प्राप्त होगा ना, और इसमें छः में से वन जाएगा तो पाँच, और इसमें तीन से गुणा होगा तो तीन पाँच पंद्रह, माइनस पंद्रह होगा ना। और देखिए चार में से एक जाएगा तीन बचेगा, तीन में एक से गुणा करेंगे माइनस से तो माइनस तीन होगा। अब ये आंसर हमें मिलता है, देखिए देखिए माइनस 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 ही होगा, पर ये जुड़ जाएंगे और प्लस वन जुड़ जाएगा, तो देखिए माइनस पंद्रह और माइनस तीन माइनस अठारह होगा, और इसमें से एक कम हो जाएगा तो माइनस सत्रह होगा। ओके अब इसका हम हल करेंगे, देखिए ये वन लिख ले रहे हैं, देखिए तीन का नाम तीन और दो का नाम दो माइनस दो, अब ऐसे इसका माइनस दो, ये तीन तीन त्रिका नौ, नौ माइन दो में माइनस वन से गुणा करें तो माइनस माइनस दो, और ये माइनस पहले होता है प्लस दो हो जाएगा। और देखिए ये वन प्लस वन और प्लस वन है ना, और इसका तीन का नौ तीन माइनस वन, आप देखते रहिए और नोट करते रहिए। देखिए तीन में से एक जाएगा तो एक बचेगा, वन हो जाएगा इसका, और इसमें नौ दो ग्यारह है, देखिए नौ दो ग्यारह है, नौ और दो ग्यारह, ग्यारह दूनी बाईस होगा, बाईस, और इसमें देखिए तीन में से एक जाएगा तो दो बचेगा और प्लस है मतलब दो हो जाएगा, देखिए दो होगा ना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सॉरी मिस्टेक हो गया यार, सॉरी तो देखिए जब इसका करेंगे वन, और ये पंक्ति और ये स्तंभ मूंग लेंगे, ये पंक्ति और ये स्तंभ मूंग लेंगे तो तीन एक नम तीन, ये माइनस वन में वन से गुणा करें तो माइनस वन होगा, तो माइनस आठ रख तो यहाँ प्लस होएगा, तब तीन एक चार, चार ही हो जाए यहाँ हो जाएगा, तब यह बराबर प्राप्त होगा। देखिए बाईस में से चार जाएगा, अठारह बचेगा माइनस, और एक और एक जुड़ जाएगा तो माइनस अठारह में से एक जुड़ेगा तो सत्रह, माइनस सत्रह प्राप्त होगा, यह हमें सिद्ध हो गया। देखिए पहले नियम के अनुसार, पहले नियम क्या बोल रहा था, यदि किसी सारणी की पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदलने से सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये देखिए कोई कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना, हमने पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दिया, तो अब हम देखेंगे पंक्ति को पंक्ति में बदलने में। देखिए कह दूसरा का कह रहा है, परंतु पंक्ति को पंक्ति में अथवा स्तंभ को स्तंभ में बदलने से मान में तो परिवर्तन नहीं होता, लेकिन चिन्ह में बदल जाता है। देखिए हम इसका एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए वही फेस वाले लिख लेते ना, देखिए दिया है एक दो माइनस वन, वन दो तीन, ये दो वन वन है, अभी से हम साड़ी को साड़ी में चेंज करेंगे ना। देखिए मान लो ये, मान लो ये पंक्ति है साड़ी को, देखो हम इसे हम चेंज कर दे रहे हैं पंक्ति को पंक्ति में, ये पंक्ति होती है, ये भी पंक्ति होती, और ये खड़ी हुई लाइन स्तंभ होता है, देखो पंक्ति को पंक्ति में चेंज करेंगे। मान लो आर वन में चेंज किए आर थ्री,
ये आर वन है, ये आर थ्री है, इसको इसमें चेंज कर देंगे। देखिए दिया है 211, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं, और इसको चेंज करने करेंगे ना 1 3 -1। अब हम इसे इसे भी हल करेंगे, इसे भी हल करेंगे, देखेंगे क्या ये नियम का फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखिए हम हल करते हैं, इसका हल करेंगे 1 2 3, 3 1 देखिए 2 1 2, और ये 3 1 3 -3, और इसका माइनस, देखिए -3 -3, ये 1 1 1, और इसका 2 2 3 6 -6, इसका -1, देखिए 1 1 1 1, और 2 2 4 -4, देखिए 2 2 में से -3 जाएगा तो -1 बचेगा, तो -1 हो जाएगा यहाँ अपना। और देखिए यहाँ 1 1 में -6 जाएगा तो -5, और -5 -3 से गुणा करेंगे तो प्लस में 15 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 1 में -4 जाएगा तो -3 बचेगा, और -3 में -1 से गुणा करने पे प्लस में 3 हो जाएगा। अब देखिए 15 3 18, 18 में से 1 जाएगा तो 18 में 1 जाएगा तो हमें प्राप्त होगा 17। देखिए अब इसका इसका भी हल करेंगे, देखिए 2 लिखिए, और इसमें 2 में -1 से गुणा करेंगे तो -2 प्राप्त होगा, और इसमें 3 से 3 से गुणा करेंगे तो 9 प्राप्त होगा, ये माइनस हो जाता है। और इसका आप गुणा करेंगे, देखिए -1, देखिए 1 में -1 में -1 से गुणा करने पे -1 होगा, और 1 में 3 से गुणा करने पे 3 होगा, और देखिए फिर 1 प्लस में 1, प्लस में 1 प्राप्त हुआ, आप देख सकते हैं प्लस में 1 प्राप्त हुआ। देखिए अब इसका इसका 3 में 1 से गुणा करने पे 3 प्राप्त होगा, और इसमें 1 में 2 से गुणा करने पे -2 प्राप्त होगा। देखिए अब इसे हल करेंगे, माइनस चिन्ह होता है पर ये जुड़ जाता है, 9 2 11, 11 11 2 22, माइनस के 22। और देखिए माइनस माइनस मतलब जुड़ जाता है ना, -4 हो जाएगा, तो -4 में -1 से गुणा करने पे तो 4 प्राप्त होगा, और इसमें देखिए 3 में -2 घटाने पे तो 1 प्राप्त होगा, फिर 1 में 1 से गुणा करने पे 1 प्राप्त होगा। और देखिए -22 में 5 घटा देंगे, 4 1 5, -22 में 4 5 घटा देंगे तो -17 प्राप्त होगा, हमने जो बताया था वो सिद्ध हो गया। अब नेक्स्ट सारणी के अनुप्रयोग देखेंगे। देखिए कह रहा है यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो तो सारणी का मान 0 होता है, और कोई एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव 0 होते हैं तो उस सारणी का मान भी 0 होता है। देखिए हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हम आपको एग्जांपल हर एक एग्जांपल बताएंगे, एग्जांपल मान लीजिए हम ले रहे हैं 2 3 1, फिर हम लिख दे रहे हैं 2 3 1, ओके एक चेंज कर दे रहे हैं,
देखिए एक्सचेंज कर दिए, अब हम इसे हल करेंगे। देखिए दो सारणिक का मान समान है, देखिए हम हल करते हैं। दो अब तीन, तीन पच्चे 15, अब ये 3 × 5 = 15 हो गया, 4 × 4 माइनस 4। अब देखिए यहाँ माइनस 3 मतलब 3, अब इसका 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, और इसका 1 + 1 इसका 4 × 2 = 8, फिर 1 में 3 से गुणा करें माइनस मतलब माइनस होता है तो 3 हो जाएगा। इसे हल करेंगे, देखिए 15 से 4 जाएगा 11, 11 × 2 = 22, 10 में से 1 जाएगा 9, 9 × 3 = 27, और 8 में से 3 जाएगा तो 5, 5 × 9 = 5। ओके ये देखिए 22 × 5 = 27, 27 में से -27 जाएगा तो 0 हो जाएगा ये आंसर। देखिए हमने ये मतलब इस नियम के अनुसार ये सत्य है। नियम नंबर अब नेक्स्ट देखेंगे हम। देखिए नेक्स्ट है, यदि किसी सारणिक की किसी भी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ को किसी संख्या से गुणा कर किया जाए तो उस सारणिक का मान उतने ही गुना हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 1 ले लेते हैं, 2 2 3 2 1 1 ले लेते हैं ना। अब पहले हम इसे हल कर लेंगे, देखिए इसे 1 हल करेंगे, 1 2 ना, देखिए इसको ये और ये छुपा लेंगे तो 2, और इसको इसको करेंगे -3, फिर ये -3, इसको इसको 1 × 1 = 1, 2 × 3 = 6 -6, अब इसको -1 और 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4। इसे हल करेंगे, इसे हल करेंगे, देखिए 2 में से -3 जाएगा तो -1 होगा, -1 में -1 से गुणा करें तो माइनस ही हो जाएगा, और देखिए 1 में -1 से जोड़ेंगे तो -5 होगा, -5 और -3 से इंटू करेंगे तो +15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, और देखिए -1 में -4 जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा, और -3 में -1 से गुणा करेंगे तो +3 हो जाएगा। ओके भैया देखिए 15 में से 1 जाएगा तो 14 × 14 = 17, 17 प्राप्त होगा ना। अब इसके अनुसार देखिए किसी भी स्तंभ को किसी भी संख्या से गुणा की जाए, पंक्ति या स्तंभ को ना, मान लीजिए हम इसमें गुणा कर दे रहे हैं। ओके हम इसमें मान लीजिए पंक्ति R1, मान लीजिए R1 में 2 से गुणा करने पर, अब देखिए अगर 2 से गुणा करेंगे तो इसका 2 गुना होगा। हम इसे निकाल देखिए सिद्ध करते हैं, पहले हम गुणा कर लेते हैं, देखिए इसमें 2 गुणा करेंगे तो 2 × 3 = 6 -2, और सब वैसे ही रहने देंगे, अब इसे हम हल करेंगे। देखो इसका 2 गुना होगा तब ये मान लेंगे कि ये नियम सिद्ध है। देखिए 2 × 3 = 3 -3, और देखिए -6 1 × 1
तीन दूनी छः और माइनस दो, दो एक नम एक, दो दूनी चार। ओके देखिए, दो में से माइनस तीन जाएगा तो माइनस वन, माइनस वन में दो से गुणा करने में माइनस दो प्राप्त होगा। और देखिए माइनस वन में वो मतलब वन में माइनस सिक्स जाएगा तो माइनस फाइव, माइनस फाइव में माइनस सिक्स से इंटू करेंगे तो प्लस में छप्पन तीस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और देखिए ये माइनस वन में माइनस तीन जाएगा तो माइनस माइनस मतलब वन में माइनस चार जाएगा तो माइनस तीन बचेगा, और माइनस तीन में माइनस दो से गुणा करने पे छः प्राप्त हो जाएगा। ओके अब देखिए तीन छः छत्तीस, छत्तीस में दो जाएगा चौंतीस, चौंतीस प्राप्त होगा। ये देखिए इसके ये सत्रह गुना चौंतीस, ये इसके दो गुना है इसलिए यह सिद्ध हो गया। नियम नंबर नेक्स्ट है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वन अपान टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और वाई वन वाई टू वाई थ्री, वन 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 ये हो, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, या देखिए वन अपॉन टू ऐसे रहने देंगे और इसे इसे मतलब वैसे हल कर देंगे, बस जैसे हल कर करते थे पहले वैसे, एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन। ओके अभी ऐसे इसका माइनस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन। ओके ऐसे इसका प्लस में एक्स थ्री, जैसे हम हल करते थे वैसे हल कर देंगे बस, वाई वन देखिए वाई वन माइनस वाई टू, यह है त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस वाई टू है। ओके और देखिए नेक्स्ट है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। जाने वाली रेखा का समीकरण। ओके दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण देखिए होता है एक्स वन वाई, देखिए एक्स वन एक्स टू एक्स। ओके और ये वाई वन वाई टू वाई, वन 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 बराबर जीरो होता है, या हम इसे हल कर सकते हैं। देखिए एक्स वन वाई टू माइनस देखिए वाई ऐसे इसका माइनस एक्स टू एक्स वाई वन माइनस वाई ऐसे इसका प्लस एक्स वाई वन माइनस वाई टू। ओके या